आ बेटा कंटिन्यू करते हैं अपना एक्सरसाइज 10.2 न्यू एनसीईआरटी ओ लेंसिटी 11.2 पैराबोला आपको याद होगा हमने पैराबोला के लास्ट टाइम टाइप्स देखे थे याद है ये चार उसके इक्वेशन और पॉइंट्स ठीक है अगर आप लास्ट टाइम एब्सेंट थे तो पहले पिक क्लिक कर लो इसकी अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है पढ़िए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस

लास्ट ठीक है ये भी क्वेश्चन हो गया मेरा सबसे इजी कौन सा लग रहा है उसके के अंदर कौन सा लग रहा है चलो थर्ड ये हो गया आपका क्वेश्चन राइट right? ये कौन सी फॉर्म से रिलेटेड है चेक करो कौन सा है जल्दी बताओ किससे मिलता जुलता है थर्ड वाले से बिल्कुल एक्सक्वाजिकोर ये प्लस है ये टू है ये डाउनवर्ड है एक्सक्वाज टू माइनस फोर ए वाई राइट तो राइटक्स टू माइनस फोर ए वाई से रिलेटेड है तो यानी माइनस फोर ए वाई किसके इक्वल होगा माइनस फोर ए किसके इक्वल यानी माइनस नाइन यहां तक क्लियर ए कितना हो जाएगा नाइन बाय फोर कॉमन एरर अब सबसे पहले इसने बोले कॉन्डिनेट ऑफ फोकस फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं यहाँ पर और ये पैरा वोला कौन सा वाला बेटा डाउनवर्ड अच्छा अगर ये डाउनवर्ड है तो खुद सोच के इसका फोकस कौन से एक्सिस पर होगा पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वैसे तो आप खुद ही निकाल सकते हो अब तो ठीक है फोकस क्या हो जाएगा इसका सीधा बोलो बोलो जीरो माइनस ए ए क्या है नाइन बाय फोर तो जीरो कामा माइनस नाइन फोर पहला डन यो yes अच्छा कौन से एक्सेस पे बना ये बनाइएस एक्सेस क्या होगा इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी सोच के बताओ इसके इधर की तरफ राइट तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी बोलो बोलो इक्वल्स टू इक्वल्स टू ए माइनस ए नहीं होता बेटा कहाँ गया मेरा ये रहा, वाई एसगल्स टू a क्लियर आपने माइनस बोला इसलिए आपको टोका मैंने। ओके। okay. तो ये क्या हो जाएगी बेटा? वाइस कॉस्टू 9 by 4। ये भी आगे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर, लेटर सेक्टर का एक ही फॉर्मूला है, कोई भी हो जाए। क्या होता है? 4a। यानी 4 into 9 by 4। दैट इज 9 यूनिट्स क्लियर ये था पॉइंट? क्वेश्चन नंबर थ्री आपको दिखाएंगे जल्दी से राइट right नाउ अब क्वेश्चन एट और ट्वेल्व करेंगे बेसिकली क्वेश्चन बनानी है राइट फोकस क्या दे रखा है जीरो कॉमा माइनस थ्री डायरेक्टिक्स क्या है ओके फोकस जीरो कॉमा माइनस थ्री इसका मतलब आपका कर्व किधर बनने वाला है आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए क्लास ट्वेल्थ के अंदर पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस तो जीरो कॉमो माइनस सी यानी फोकस हुआ यहाँ पर तो कर्व क्या बनेगा डाउनवर्ड तो इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस फोर ए वाई राइट डू वी हैव ए यस फोकस है ए कितना हो गया ये सुनना था ए कितना हो गया ए हो गया थ्री समझ कैसे बताता हूँ यहाँ फोकस किस उसमें होता है जीरो माइनस राइट और क्या है बेटा जीरो माइनस थ्री तो एक इतना माइनस है किसके इक्वल हो गया नहीं माइनस थ्री तो एक इतना हो गया अब इक्वेशन क्या हो गई एक्स स्क्स टू फोर इंटू थ्री इंटू वाई कौन सा वाला नेगेटिव का एक्स स्क्स टू माइनस ट्वेल्व बस ये पॉइंट था क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व करोगे अच्छा यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है वर्टेक्स है पासिंग थ्रू पॉइंट ए पासिंग थ्रू पॉइंट ए पैराबोलिक पॉइंट ए से पास कर रहा है एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस और इस सिमेट्रिक है वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट में दू या मैं ही कराऊं चलो दिया एक मिनट का टाइम दिया अब मेरी टर्न पढ़िए

अब मेरे सवाल है कौन सा वाला होगा सर आपको कैसे पता क्योंकि ये पॉइंट ए से पास कर रहा है इसका मतलब पॉइंट ए लाइ कर रहा है पॉइंट ए क्या है फाइव टू कौन से क्वार्टर में होगा फर्स्ट में फर्स्ट में कौन सा आ रहा है अपवर्ड पहले बात समझ आई नहीं आई किसको कंफ्यूजन है दोबारा दोबारा पहले तो ये बताओ बेटा कि आपको ये लाइन का मीनिंग समझ आया सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू तो वाई एक्सिस वाई एक्सिस पे बन रहा है वाई एक्सिस पे कैसे बनता है बेटा देखो कहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड राइट या तो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा पहला पॉइंट क्लियर हो गया ठीक है अब उसने कहा ये तो पैराबोला ये पास कर रहे हैं पॉइंट ए से विच इज फाइव अब पॉइंट किस क्वारंट में लाइक करता है फर्स्ट में तो फाइव कॉमर टू यानी कौन से वाले पैरा बोला का होगा क्योंकि मैं डाउनवर्ड देखूं तो डाउनवर्ड डाउनवोडे यहां पर है नो क्या डाउनवर्ड फर्स्ट प्वाइंट में आता है नहीं पहले यहां तक क्लियर ये सन नो अब तो लगा दो इसकी क्वेश्चन क्या होती है ये पैरा बोला की स्क्वाइल्स टू फोर ए वाई इक्वेशन के लिए फोकस चाहिए फोकस कैसे आएगा कोई बताना चाहेगा नहीं A. चलो आपने बोला फोकस जीरो मैंने लिख लिया अब मैं पूछो ए की वैल्यू कैसे आएगी खेल तो यहां है सारा no. जीरो ध्यान समझना वो भी नहीं है मेरे को पता है पैराबोला पैरा बोला इस पॉइंट से पास कर रहे हैं जब कोई कर्व लाइन जब कोई कर्व लाइन किसी पॉइंट से पास करे तो वो क्वेश्चन को क्या करती है सेटिस्फाई बिकॉज पैराबोला पासिस थ्रू फाइव कॉमा टू यानी पॉइंट ए Therefore, a will ए विल सेटिस्फाई of इक्वेशन ऑफ पैराबोला को मैं इस इक्वेशन में डाल सकता sakta hu put a कॉमा टू इन एक्स स्क्वायर इज टू फोर ए वाय अब X square क्या जाएगा? फाइव का स्क्वायर फोर ए Y कितना है टू ट्वेंटी फाइव इजिकल्स टू एट ए ए कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव बाई एट इक्वेशन क्या हो जाएगी फाइनली एक्सक्वायर इजिकल्स टू फोर इन टू ट्वेंटी फाइव बाई एट दैट इज फोर टू टू इधर भेज देंगे या चलो ऐसे ही रहने देते बस ये था नोट डाउन प्लीज